हेलो फ्रेंड्स आज मैं ले रहा हूँ हॉबीज फॉर क्लास सिक्स डी पब्लिकेशन तो हॉबीज़ में आप देखेंगे कि पहले बता रहा है कि पीपल फॉलो डिफरेंट हॉबीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर एटीट्यूड एंड मीन्स यू माइट हैव मेनी हॉबीज़ लाइक रीडिंग प्लेइंग क्रिकेट लाइक दिस सो हॉबीज़ वर्ड यू अंडरस्टैंड आई थिंक यूज़ द क्लोज गिवेन बिलो एंड शॉल्व देखो यहाँ पजल दिया हुआ है तो मैंने आपके लिए शॉल्व किया एक दो क्रॉस में नंबर वन में है टेल नीचे हिंट दिया हुआ उसको मैं पढ़ रहा हूँ टेल इन अ बुक दैट इज रेड और वन दैट इज टोल्ड टू अस इन बेड फाइव लेटर्स सो स्टोरी एस टी ओ आर वाई फाइव लेटर्स सो इन फर्स्ट आई हैव रिटन अ स्टोरी एस टी ओ आर वाई स्टोरी नाउ सेकेंड सेकेंड वन इन प्लेस ऑफ सेकेंड वन फाइव नंबर इज गिवन हियर टैंक ऑफ वाटर फॉर अस टू सी so what is tank of water where colorful fishes are there one picture is also given that is aquarium a q u a r i u m aquarium like this uh, one thing i tell you that i will give you hint how to solve it don't expect that in reader book i will give you 100% answer and you will copy it only reader book is mint so that you will read it and you will explore it otherwise if i will tell you everything then it will be useless. so you see downward and across some hints are given for the words. i have solved three for you. first one a story, second aquarium, third pen. rest you will solve. now to the next piece. a. point number a. read the words given below. now match the words with uh, the hobbies they are related to. <coughs> there are uh, many hobbies given here like photography, fishing, dancing. स्टैम्प कलेक्शन एम्ब्रॉयड्री एंड इन हिंट बॉक्स यू हैव मैनी वर्ड्स फ्राम वेयर यू हैव टू चूज़ वर्ड्स आई हैव सोल्ड सम यू विल सोल्व सम फॉर योर प्रैक्टिस पॉइंट नंबर ये फोटोग्राफी इज एसोसिएटेड विथ रील कैमरा एंड फोटो फ्रेम फिसिंग आई हैव रिटर्न हुक फिस रड एंड बेट बेट वो चारा होता है जो मछली पकड़ने के लिए हम उसमें लगाते हैं और C1 is dancing. So compact disc is given above that I have selected CD and two I have written from my side music and headphone. ऐसे ही फिर मैंने नीचे जो boxes से कुछ लेके hints लिखा है two two words आपको खुद से add करना है. Next poem is bedroom skating. बड़ा मजा आएगा आपको एक भाई बहन के बारे में एक कविता है और बहन जो है वो बहुत चंचल है और बेडरूम में ही वो स्केटिंग कर रही है और स्केटिंग करने के लिए उसने देखो पैर में दो डस्टर बांधे हैं तो आप मेरे साथ इसको पढ़ो बड़ा मज़ा आएगा आपको बिकॉज देर इज़ नो आइस रिंक विद इन फिफ्टी माइल्स ऑफ आवर हाउस माई सिस्टर परफेक्ट्स हर डांस रूटीन इन द ओलंपिक स्टेडियम ऑफ माई बेडरूम बेडरूम को ही उसने ओलंपिक स्टेडियम बना दिया और वहीं प्रैक्टिस करती है वो डांस और कभी स्केटिंग वेयरिंग अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन एंड टू बिग येलो डस्टर क्या उसने नीचे पहना येलो डस्ट है ताकि वो फिसल सके ठीक से ऑन द फीट सी एक्सप्लोर्स आउट ऑफ कबर्ड्स टू एन एवलेंश ऑफ म्यूजिक एंड वल्स और जोर से घूमती है अबाउट द पोलिस्ड लाइन इन अ ब्लर अब डबल एक्सल एंड ट्रिपल लेट मी मेक इट लार्ज ओके ट्रिपल सेल शोज फॉर हर फ्री स्टाइल डबल सी हल्स हिज पीलो कॉल्ड टोरविल नाउ सी इज डिस्टर्बिंग इन दिस वे टू हर ब्रदर बट सी इज इन्जॉइंग फ्रॉम हेयर टू ब्रेकफास्ट टाइम कब तक वो ऐसा करती है वाइल्ड स्पिनिंग लाइक ए हिप्पो राउंड एंड राउंड माई बेड इमेजिन वेकिंग अप दैट इच मॉर्निंग और सोचो सुबह सुबह आप ऐसे हल्ले गुल्ले के साथ और इस सिचुएशन में आप उठते हो यही सिचुएशन है उस भाई का अ स्मॉल वंडर माई हेड शैक एंड आई एम ऑफ माई कॉर्नफ्लैक्स लास्ट थर्सडे शी इवन मै हैड मी स्टैंड अप ऑन माई बेट इतना तंग किया उसे एंड होल्ड अप कार्ड्स मार्क सिक्स वाइल सी गैव विक्ट्री शल्यूट इन द डरेक्शन ऑफ द गेबरल स्केज ऑल बोल्डेड लेटर्स विल बी शोल्ड इन द बॉटम ऑफ द पेज डोंट वरी टू बी ऑनेस्ट डिस्पाइट हर एंडलेस डेडिकेशन डेडिकेशन टू स्केटिंग एंड हर आवर्स ऑफ प्रैक्टिस आई डोंट थिंक सी हैज़ ए होप ऑफ लिफ्टिंग द वर्ल्ड टाइटल और बहुत सारे लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सारे धोनी या दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे यही सेंस यहाँ पर है भाई का वर्ल्ड टाइटल जितने नहीं जा रही है हालाँकि कितना भी वो प्रैक्टिस करे बट हु केयर्स लेकिन कौन ध्यान देता है शी मै नोट गेट द गोल्ड बट आई बेट बट मैं चैलेंज करता हूँ करूँगा दे रिजेंट अनदर स्केटिंग स्केटर अलाइव विथ ऑल विथ वॉल टू वॉल मिरर ऑन हर बेडरूम फ्लोर यहाँ पे वर्ड दिया है फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा था एक्शल्स है नॉल्स डिफरेंट काफ़ जम्प इन स्केटिंग ये स्केटिंग से रिलेटेड वर्ड है गेवरियल है ग्रुप ऑफ स्मॉल रॉडेंट्स अब हम आगे बढ़ें तो इसमें ये एक्सरसाइज दिया है देखो आप अपने मोबाइल को घुमा लो और घुमा के देखो द स्पीकर इज़ द गर्ल्स ब्रदर द गर्ल प्रैक्टिशेज स्केटिंग इन द बेडरूम बिकॉज देर इज़ नो आइस रिंक नियर बाय ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे मेरा क्वालिटी एंड एंडोरेंस लास्ट थर्सडे से इवन मेड मी स्टैंड अप ऑन माई बेट तो यहाँ पे क्या क्वालिटी है उसका फिर एविडेंस पढ़ रहे हैं आप आपको क्वालिटी बताना है वहाँ पर हालांकि शॉल भी किया हुआ है आप इसको इन लार्ज करके देख के कर लेना फिर हम ए सिक्स में चलें तो वहाँ पर एक्सरसाइज दिया है कि रीड दिज वर्ब्स एज दे अपियर इन द पोय एक्सप्लोर्ड वर्ल हर्ल एंड स्पिन और अगर आप इसका मीनिंग समझते हैं सारे मूवमेंट से रिलेटेड है एक लट्टू को दिखा के टॉप को दिखा के यहाँ समझाया भी गया एन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेम नाउ ए सेवन वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ वन द फस्ट प्राइज़ इन द इंटर स्कूल इवेंट प्रजेंट है प्रेज स्पीच तो आप यहाँ पर प्रेज करेंगे कैसे लैंग्वेज से रिलेटेड है तो यहाँ तक आप नेक्स्ट पेज तक देखो ब्लैंक दिया उसमें आप उसका प्रशंसा कर लेना और थैंक यू और प्रेजिंग से आपको लिखने हैं बी वन पॉइंट नंबर बी द हॉबी ऑफ स्टाम्प कलेक्टिंग इज़ कॉल्ड फिलेटली एक वर्ड सीखना है इस पर एक स्टोरी भी अभी आएगा आप देख लेना उसे फिलेटली पर तो फिलेटली क्या होता है स्टाम्प कलेक्शन जिसमें हम अलग अलग देशों का स्टाम्प टिकट्स कलेक्ट करते हैं दिस हॉबी इज़ कॉल्ड क्योंकि ये चैप्टर हॉबी चैप्टर है तो हम हॉबी की बात कर रहे हैं वन ऑफ़ द हॉबी इज़ फोटोग्राफिक कलेक्शन एल्बम मेकिंग फिलेटली रीडिंग प्लेइंग सो वन ऑफ द हॉबी इज़ फिलेटली स्टाम कलेक्शन वाट डू यू कॉल वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स एंड Discuss in the class what other things could be fun to collect. You may have many friends to um school or at home. Do you have a pen friend or an email friend? Yes, of course. Due to Corona, COVID 19 we have friends online. देखो यहाँ बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? Uh, pen friend is a friend. तो जब हमारे पास ईमेल नहीं थे तो हम क्या करते थे? कि विदेशों में या अपने एरिया से दूसरे जगह पर जब हम फ्रेंड बनाते थे तो हम लेटर लिखते थे अपने पेन फ्रेंड को और वो भी लेटर हमें लिखता था और फिर हम अपने इन्फॉर्मेशंस का आदान प्रदान करते थे और जैसे स्टैम्प मंगवाना है तो अपने फ्रेंड आपका अगर फ्रेंड हो अमेरिका में तो आप अमेरिकन स्टैम्प्स मंगवा सकते हो और उसको इंडियन भेज सकते हो तो पेन फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड अ पर्सन रेगुलरली राइट्स टू विदाउट मीटिंग स हु एंड ई मेल फ्रेंड इज गिवेन ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ फ्यू नेम्स ऑफ पेन पाल पाल वर्ड में शेयर फ्रेंड एंड पेन यू नो पेन पाल फ्रेंड रिलेटेड टू पेन कॉलम ऑफ अ मैगजीन विद देयर एड्रेस एज ग्रुप ई मेल एड्रेस एंड हॉबीज बहुत सारे लोगों का यहाँ लेफ्ट पेज में आप देखोगे कि यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है और उनसे अगर आप दोस्ती करना चाहें तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हालांकि ये एड्रेस फॉल्स भी हो सकता है तो आप इसे ना करें आपके ऐसे ही ऑलरेडी बहुत फ्रेंड हैं तो यहाँ पे एक ब्लैंक भी दिया हुआ है अपने नाम और हॉबीज़ को लिखने के लिए अब हम चले बी थ्री में रीड दिस एक्सट्रैक्ट तो इस एक्सट्रैक्ट में आप देखेंगे द कलेक्टर्स यहाँ पे कलेक्शन किस चीज़ का हो रहा है अस्टाम का उसी हॉबीज़ कलेक्शन पे एक स्टोरी दे दिया है जिसे आप पढ़ के इंजॉय करो इसे मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप पढ़ो और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको पूछना मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ कि ये कहानी क्या है इसमें है डॉक्टर मोदी जो गाइड करते हैं जहांगीर को फिलेटली पे यानी स्टाम्प कलेक्शन पे और वो ऑस्ट्रेलिया से बेल्जियम से भूटान से हर जगह से उनके दोस्त हैं और फिर वो उनको भेजते हैं स्टाम्प्स देखो उसका बच्चे का नाम मैंने अंडरलाइन किया लेफ्ट पेज में जहांगीर है आप पिक्चर में देख सकते हो डॉक्टर मोदी ये स्टाम्प एल्बम के साथ बैठे हुए हैं जहांगीर बैठा है वो देख रहा है ये मिस्टर मोदी की पत्नी है जहांगीर रोज उनके यहाँ आता है वो दरवाज़ा खोलती है ईच ऑफ़ द कबर्ड्स देखो अंडरलाइंस में पढ़ता हूँ आप समझ में आ जाए कहाँ कहानी कैसा है ईच ऑफ द कबर्ड्स फोर शेल्फ्स वॉज पाइल्ड विथ बिस्किट टीन एंड स्वीट tins राउंड ओवर रेक्टेंगुलर स्क्वायर और ये सारे जो डब्बे हैं टीन्स उसमें क्या भरा हुआ है Stamps, सोचो डॉक्टर मोदी के पास कितने स्टैम्प हैं और वो देखो ये दिखा रहे हैं एक एक डब्बा को खोल के पिक्चर में कितने स्टैम्प हैं उनके पास रोहिंटन मिस्त्री जिसने ये लिखा है वाई कहते हैं योर कलेक्शन विल ग्रो डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट यू आर तो आप कितने तेज हैं कितने फ्रेंड्स हैं आपके इस तरह से आपका कलेक्शन बढ़ेगा तो जहांगीर यहाँ पे देखो मैंने कर दिया है सारा आंसर तो आप इसको पढ़ के कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट डे डॉक्टर मोदी शोड जहांगीर एंड एल्बम एक एल्बम दिखाते हैं वो जिसमें स्टाम्प्स ही स्टाम्प्स हैं और ये सारे एक्सरसाइज आप करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है वो है होट्स और लाइफ स्किल तो उसको मैं बता देता हूँ होर्ट्स में है कि ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियली सोशल बींग्स डॉक्टर मोदी ऑल्सो एडवाइज जहांगीर टू मैक लॉर्ड्स ऑफ फ्रेंड हाउ कैन सोशलाइजिंग हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल्स इन ए बेटर वे शेयर योर व्यूज़ विद योर पार्टनर अभी तो सिचुएशन कोविड नाइन्टीन की वजह से जस्ट अपोजिट है हमें सोसलाइज होना नहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखना है लेकिन अगर हमारे पास फ्रेंड हैं तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं हमारे पास परिवार हैं तो उनसे हेल्प ले सकते हैं तो सही में फ्रेंड्स हमारे एक अच्छे वेल्थ साबित हो सकते हैं वो समय पर सहायता करते हैं इसलिए हमारे पास जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा बिज़नेस चलेगा या फिर उतना ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगा अब हम चले लाइफ स्किल्स पर टाइम <laughs> तो मैनेजमेंट इज़ द कोर्न स्टोन ऑफ सक्सेस मेन थिंग ऑफ सक्सेस प्लानिंग योर विक अड हेल्प यू टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली तो मंडे को आप क्या करेंगे ट्यूजडे को क्या करेंगे ऐसे टाइम चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है दोपहर में और शाम में क्या करेंगे ऐसे आप टाइम चार्ट बना के अगर आप टांग देते हो स्टडी रूम में तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा फिर है वैल्यूज़ वैल्यूज़ पर दिया है फ्रेंड कि जो नशरवानझी अंकल थे जिन्होंने डॉक्टर मोदी को स्टाम्प एल्बम दिया था तो डॉक्टर मोदी बी केम मेंटर ऑफ द मेंटर फॉर जहांगीर अपने सरवान जी अंकल ने गाइड किया था मोदी अंकल को मोदी अंकल गाइड कर रहे हैं किसको जहांगीर को तो आवर एल्डर्स जो हमारे एल्डर होते हैं आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बट वी ऑफ़न इग्नोर देम एंड फेल टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ लेकिन हम अपने से बड़ों को अक्सर भूल जाते हैं या हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं तो यहाँ पे हम uh, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए हम ये दो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या करना है कि राइट थ्री थिंग्स विच यू वुड लाइक टू डू फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आप तीन चीज़ क्या करना चाहेंगे अपने दादा दादी के लिए और तीन चीज़ क्या करना चाहेंगे अपने पेरेंट के लिए यहाँ पर आप लिखोगे फिर ये मैच दो कॉलम आप बना लेंगे उसके बाद है फिर बी टेन में फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन द सेम सेम मीनिंग आपको ढूंढना है पैराग्राफ भी दिया हुआ है इसलिए आसान है कर लेना बी एलेवन जहांगीर बिगेन्स टू एक्ट ऑन डॉक्टर मोदीज़ एडवाइस और वो काम करना शुरू करता है यहाँ डायलॉग कम्प्लीशन है तो आप इसको डायलॉग कम्प्लीशन को इसके बाद कर लेना इसके बाद सी में चलें तो सी वन में फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम फेमस राइटर्स बुक्स एंड करेक्टर्स वर्क विथ योर पार्टनर एंड क्लाशिफाई देम अंडर द थ्री हेडिंग्स गिवेन वी लो यहाँ पर नीचे फ्रेंड बुक का नाम राइटर का नाम और करेक्टर्स का उसके करेक्टर्स के नाम सब मिक्सअप करके दिया हुआ है आपको कम से कम ये पहचानना है कि इनमें राइटर कौन कौन हो सकते हैं बुक का नाम कौन कौन हो सकता है और करेक्टर कौन कौन हो सकता है दो तीन करके मैंने आपको बताया भी है इसको कर लेना फिर हम चलें सी टू पर तो रीडिंग इज़ ए हॉबी शर्वे योर क्लास एंड फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स इंजॉय दिस हॉबी रीडिंग भी एक हॉबी है तो आपके क्लास में रीडिंग कौन कौन पसंद करता है और एक बात मैं यहाँ पे बोल दूँ फ्रेंड कि आज तक जितने भी सक्सेसफुल पीपल हुए हैं वो सारे रीडिंग करते हैं लॉर्ड्स ऑफ रीडिंग ओके सी थ्री एवरी चाइल्ड मस्ट रीड टू और थ्री बुक्स इन ईयर कम से कम दो तीन नया बुक अपना क्लासरूम क्लास class का छोड़ करके हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल रिपोर्ट ऑफ बुक प्ले आप किसी बुक के पीछे देखते हो कि छोटा सा रिव्यू लिखा हुआ होता है आपको एक सीडी भी मिला होगा जब आपने ये बुक लिया होगा तो इस सीडी को आप सुन सकते हैं सी थ्री के लिए जो कि पेज नंबर फिफ्टी फोर में प्रिंटेड भी है उसका कंटेंट लेकिन आप सुन के कर सकते हो अब यहाँ पर जो स्क्रिप्ट आप सुनेंगे अपने सीडी से उसके आधार पर सी फोर को फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे मैं आगे बढ़ता हूँ सी फाइव को योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग बुक वीक ठीक है देखो बुक वीक का बैनर लगा हुआ है आई द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल प्रिपेयर ए स्पीच आपको स्पीच करना है और फिर यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिया हुआ है टीचर के लिए यहाँ कहा गया है कि हैव औरल प्रेजेंटेशन इन द क्लास सेट टाइम लिमिट तो बुक्स के बारे में एक स्पीच देना है तो बुक्स कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं है ना बुक्स रीडिंग क्या होता है कि वो ऑफलाइन रीडिंग होता है बुक में तो हमारी आंखों की सुरक्षा भी होता है बुक्स हमें नॉलेज 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 देता है लेता कुछ भी नहीं है बस एक बार खरीदने में उसे कॉस्ट लगता है और वो हमारे से लेके अगले जनरेशन तक काम देता है तो बुक्स के लिए आप पहले भी बहुत कुछ पढ़े हो तो बुक्स के बारे में प्रेजिंग आपको बताना है नेक्स्ट एक बहुत अच्छा स्टोरी है फ्रेंड जिसमें हॉबी से रिलेटेड है इसमें हॉबी क्या है कि एक राजा रहता है जिसको रोज़ सुबह नाश्ते में अमरुद खाने की आदत होती है ठीक है इन द ओल्ड सिटी ऑफ बनारस दे आर वंस लिव्ड ए शू मेकर कॉल्ड भीखू तो ये उस राजा और भीखू की कहानी है हालांकि इसका टाइटल है द शू मेकर एंड द डेमन तो एक डेमन क्या है एक बौना होता है जिसके पास वो एक टोपी खरीदने के चक्कर में अपना जूता बेच देता है और जूता नहीं होने के कारण वो घर नहीं लौटता कि उसकी वाइफ उस पर चिल्लाएगी डांटेगी इसलिए वो अमरुद के पेड़ पर पे चढ़ के छिप जाता है अब राजा के मंत्री और दूसरे लोग जब सुबह नाश्ते के लिए अमरुद लाने जाते हैं तो वो डेमन डेमन बोल के भागते हैं राजा को ये सजेशन मिलता है कि भीखू का दिमाग बहुत तेज है तो भीखू बार को भीखू मोची को बुलाया जाता है और फिर उसे भेजा जाता है डेमन के लिए वन मॉर्निंग वेन द महाराजा सर्वेंट्स एज यूजल वेंट टू गुआभ ट्री टू प्लग द फ्रूट्स देखो वही स्टोरी आ रहा है अब देखो यहाँ पे पिक्चर पे सब लोग डरे हुए हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पे डेमन है महाराजा इमीडिएटली शमंड है मीटिंग सब मीटिंग बुलाते हैं और सब लोग ये सजेशन देते हैं भीखू के बारे में देखो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि शेंड भीखू टू द डेमन पहला अंडरलाइन इस पेज का अब देखो ये भीखू का हालत और राजा का ऑर्डरिंग मूड देखो और गुस्सा में चेहरा लाल है उसका इट मेड भीखू फ्लैश क्रीप फ्लैश क्रीप एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि वो काँपता है डर से तो फिर वो भागना चाहता है देखो रातों रात वो गया है बोटमैन के पास कि भैया मुझे नदी पार कर दो मुझे भागना है यहाँ नहीं रहना है क्योंकि मैं डेमन से लड़ना नहीं चाहता हूँ मैं ना जानता हूँ कुछ लेकिन बोटमैन बड़ा चलाक और सासी व्यक्ति होता है और उसे बोलता है अरे भाई जाके देखो तो सही कि सही में कोई डेमन है भी या कि नहीं तो फिर अंत में वो जाता है और फिर वो भी खूँ स्टेयर डेट द ट्री इन ग्रेट अमेजमेंट है ना एंड देयर वाज अ रशल वहाँ पे पटतियाँ सरसराती है वो देखो आप निकल रहा है डेमन और डेमन हु इज़ डेमन आई एम नो डेमन वो कहता है मैं डेमन नहीं हूँ भाई और फिर वो कहानी बताने लगता है कि ऐसा ऐसा कहानी है मैंने टोपी ले लिया संजोक से कुछ चमड़े का पीस होता है भीखू के पास वो जल्दी से उसके लिए सुंदर जूते बना देता है और वो खुशी खुशी जूते ले कर चला जाता है और फिर इधर राजा उसे क्या करता है ही वॉज द गवर्नर ऑफ वन ऑफ हिज प्रोविंस और एक एक शूबे का एक क्षेत्र का वो गवर्नर बना देता है भीखू से खुश होकर के अब हम बात करें लिटिल लाइब्रेरी की आपके पास जरूर अपने अच्छे अच्छे बुक्स होना चाहिए आपको ज़रूर बुक कलेक्शन करना चाहिए टेक पे स्क्रिप्ट में आप इसको सुन लेना कि कैसे करना है और फिर उसी लाइब्रेरी से ये एक डिक्शनरी हमें लुकअप करने का चाहे मोबाइल से देखें या फिर हम मैनुअल डिक्शनरी देखें डिक्शनरी एंट्रीज़ को हमें ज़रूर देखना चाहिए देखो एक पी यू पी ए वर्ड को यहाँ प्रोनाशिएशन डिक्शनरी में बताया गया कि पी प ऐसे आप सीखेंगे कि कैसे एग्जैक्ट प्रोनाशिएशन किया जाता है तो सारे कंटेंट्स थे आपके हॉबी चैप्टर में माई फ्रेंड्स ठीक है तो आप इसको फिर से देखो अगर किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो और फिर डोंट वरी आई विल सियोर हेल्प यू लेकिन हाँ आप पहले प्रयास करो मन लगा के एकदम से डिपेंड नहीं हो जाओ टीचर के ऊपर ठीक है और रीडर बुक इज़ मेन्ट फॉर रीडिंग सो प्लीज़ गो ऑन रीडिंग एंजॉय इट लर्न इट and uh, they are not going to ask you many things from the chapter in the examination perhaps nothing will come from the chapter it is for reading and enjoying and learning lots of vocabulary and grammatical structures thank you